गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कॉन्सेंटिक्स की तरफ से एप्लीकेशन आई है बम्पर हायरिंग की, यानी कि 2000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। स्टेप वन है आपका, एप्लीकेशन आपको भरनी है, वो मैं आपको यहाँ पर इसी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। स्टेप टू है आपका, डिजिटल सेल्फ असेसमेंट आपको देना है, वो भी मैं आपको उसके बारे में हर एक चीज़ बताने वाली हूँ। प्रोसेस स्पेसिफिक असेसमेंट भी मैं आपको बताऊँगी, उसके बाद जो इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा क्या ऑफर लेटर। सो गाइस, बहुत ही अमेजिंग अपडेट आई है जिसमें 2000 प्लस वैकेंसीज है एंड एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, यानी कि आपने अपनी अभी 12th पास कर ली है, आप कोई भी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर पे हो, सेकंड सेमेस्टर पे हो, डजंट मैटर। इफ यू आर 12th पास, यू आर वेरी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। एंड वन थिंग मोर गाइज, इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर करियर, प्लीज स्टार्ट योर करियर विद दिस पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि ये बाहर की बहुत ही बड़ी MNC कंपनी है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके फ्यूचर एंडेवर में। एंड गाइज, वन थिंग मोर, अगर आप housewife है या फिर रिटायर्ड प्रोफेशनल है, यहाँ पे कोई भी एज बार नहीं है, anybody can apply for this job. Hi guys, welcome back to Be Self Dependent. My name is Diksha Sharma and I am your career coach. हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर आपको वर्क फ्रॉम होम अपडेट्स मिलती हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस, फ्रीलांस, पार्ट टाइम वर्क, आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल न्यू है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जैसे ही वीडियो आउट हो सबसे पहले अपडेट आपके पास आ जाए। सो गाइज, आज की जो अपडेट है बहुत ही अमेजिंग है, मंथ एंड हायरिंग है ये। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत से अप्लाई कर देना, बिकॉज यहाँ पर आपके सिलेक्शन चांसेस 100% है, बिकॉज यहाँ पर 2000 प्लस वैकेंसीज है और अभी दो दिन में ही कर लो तो बेटर है, क्योंकि अभी बम्पर हायरिंग चल रही है। नेक्स्ट मंथ में बम्पर हायरिंग नहीं होगी, यानी कि 2000 वैकेंसीज जितनी नहीं होगी, तो इसलिए आज और कल की ही डेट बची है, प्लीज डू अप्लाई इट। तो इसलिए मैं आपके पास ये अमेजिंग कंपनी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कॉन्सेंट्रिक्स। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ी कंपनी है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप सभी जानते हैं। इवन अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। यहाँ पर मैं अर्निंग पोटेंशियल की बात करूँ, तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर 18,000 रहने वाली है, कैप्स इंक्लूडेड होगी अगर ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो। वर्क फ्रॉम होम है तो यहाँ पर आपको देखो, वर्क फ्रॉम होम में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, 18,000 आपकी सैलरी है उतनी रहेगी। और अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर 25,000, 30,000, 35,000 कितनी भी सैलरी आप ले सकते हैं। कस्टमर सर्विस प्रोफेशन है, बहुत ही अमेजिंग आपकी जॉब रहने वाली है। अब यहाँ पर हम जॉब के नेचर की बात कर लेते हैं कि जॉब का नेचर क्या है। देखिए, कस्टमर सर्विस की जॉब है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज के लिए, बड़े ब्रांड्स के लिए वर्क करती है, चाहे वो बैंक्स हो, ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का नाम आपने सुना होगा, तो इसकी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी को कोई रॉन्ग प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट या फिर ऐसा कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाता है या फिर कोई भी कॉल करता है किसी भी कारण, तो उसका रेजोल्यूशन आप देते हैं। यहाँ पर दोनों प्रोसेस के लिए है, यानी कि चैट प्रोसेस भी है और यहाँ पर आपकी वॉइस प्रोसेस भी है, किसी भी प्रोसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल है जो बात करना नहीं चाहते, फोन पे बात करना नहीं चाहते, सिर्फ चैट मोड करना चाहते, तो आप यहाँ पर नॉन वॉइस वाली ले सकते हैं। मैंने दोनों लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी फॉर इट। ओके गाइस, तो ये तो हो गई, मतलब जो मेन की पॉइंट्स है जॉब के बारे में मैंने आपको ये बता दिए है। वर्क फ्रॉम होम ये जॉब आपकी रहने वाली है, वर्क फ्रॉम ऑफिस भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, और ये जॉब हर एक लोकेशन के लिए, मैं आगे जाके आपको सारे लोकेशंस बताऊंगी कि कहाँ कहाँ ये जॉब यहाँ पर आई है। ओके गाइस, बस इतना ही बोल रही हूँ कि 2000 प्लस वैकेंसीज है तो कुछ तो होगा ना गाइस। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इतना टफ कॉम्पिटिशन नहीं होगा जो आपको बार बार कम्पीट करना पड़ता है जॉब के लिए, यहाँ आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, इतनी बात गारंटी समझ लो। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो अगर आप 12th पास है, आपने ग्रेजुएट कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट हो, housewife, रिटायर्ड प्रोफेशनल, नो एज बार, डोंट वरी फॉर इट। पर्सन हु वांटेड टू रीस्टार्ट देयर करियर, स्पेशली housewives, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पर कोई भी एज बार नहीं है, आप कभी भी इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। ये 9 घंटे की जॉब रहने वाली है, 5 डेज वर्किंग कल्चर फॉलो करते हैं, 2 डेज आपका ऑफ रहता है, अनलिमिटेड PTOs मिलते हैं। यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करो तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ यहाँ पर। गाइस बेनिफिट्स देखिए, फर्स्ट बेनिफिट है आपका कॉम्पिटेटिव सैलरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस मिलते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ एक्सेप्शनल सर्विसेज दे रहे हो तो उसका बोनस भी मिलता है आपको, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं इनके वो आपको मिलता है। टैक्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट आपको मिलता है यहाँ पर सेशन ऑन स्मार्ट इन्वेस्टिंग का भी आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या आपको और क्या क्या मिलता है देख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है आपको, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये आपको कंपनी देती है, सपोर्ट एप्लीयंस फॉर PWD स्टाफ देती है जो कि बहुत ही अच्छा
इनिशिएटिव है, फिटनेस सेशन है आपका अगर आप वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम ऑफिस कोई भी ज्वाइन करते हो, दोनों ऑप्शन मिलते हैं, योगा सेशन भी है वर्चुअल या फिर फिजिकल कोई भी आप कर सकते हैं, फ्री 24/7 डॉक्टर ऑन कॉल फॉर यू एंड योर फैमिली, यानी कि कंसल्टेशन भी यहाँ पर फ्री है। ओके गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेनिफिट्स और क्या क्या है। देखिए, नर्चरिंग मेंटल वेलनेस फॉर योर रीसाइलेंट फ्यूचर, यानी कि यहाँ पर आपको मेंटल, जैसे होता है ना कि कभी कभी हमें इमोशनली प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं उनके ये प्रोग्राम्स है। और देखिए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट मिलता है आपको, करियर प्रोग्रेशन मिलता है, एंगेजमेंट एंड हॉबी सेशंस भी मिलते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ काम ही देंगे, इवन दे आर बिल्डिंग यू, यानी कि आपके लिए भी ये काम कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर अदर नेसेसरी पर्क्स क्या है जो हमेशा होते हैं आपके पास, दैट इज पेड टाइम ऑफ। देखिए, बहुत ही कम कंपनीज होती है जो पेड टाइम ऑफ देती है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे पेड टाइम ऑफ मिलते हैं। देख सकते हैं, वी बिलीव इन रिचार्जिंग योर बैटरीज, इंजॉय जनरस पीटीओ डेज टू अनविंड, यानी कि 20-30 दिन का ही आपको पेड टाइम ऑफ लेते हैं। आप एक साथ भी अवेल कर सकते हैं या फिर कुछ कुछ महीने के गैप में भी अवेल कर सकते हैं। ओके, फैमिली बेनिफिट्स है आपको यहाँ पर, वी केयर अबाउट योर फैमिली टू, आर फ्रेंड फैमिली फ्रेंडली बेनिफिट सपोर्ट योर लव्ड वंस वेलबींग, ये भी आपके पास रहता है। एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम है, यानी कि अगर आप कोई रेफर करते हैं तो आपको उसका अमाउंट आपको मिलता है 11,000 या 10,000 के आसपास होता है। ओके, तो ये सब कुछ है गाइस। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कंपनी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अब हम डायरेक्टली जॉब के बारे में बात करते हैं कि किन दो अपडेट्स के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। सो गाइस, जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, आपको जैसे इंटरफेस में आएंगे, यहाँ पर आपको टोटल 25 रिजल्ट्स फाउंड होंगे इंडिया के। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज आ चुकी है, यानी कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो मैनेजर लेवल पे है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशन मैनेजर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कस्टमर सर्विस एजेंट नॉन वॉइस, इसकी तो मैं बात करूंगी तो आप इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑपरेशन है, टीम लीडर ऑपरेशन है, यानी कि जिस बंदे को, जिस इंडिविजुअल को 2 ईयर्स हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, 2-3 ईयर्स हो चुके हैं, वो यहाँ पर टीम लीडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हाँ, एंट्री लेवल आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो इसलिए मैंने आपको ये मेन पेज दिया है ताकि आपको जिसमें भी आप ठीक हैं, जिसमें भी आपका मतलब करियर है, आप उसे ज्वाइन कर पाए। ठीक है, सारी जॉब्स आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो जॉब्स की, यानी कि फर्स्ट है कस्टमर सर्विस एजेंट वॉइस की, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड द सेकेंड जॉब इज कस्टमर सर्विस एजेंट नॉन वॉइस, यानी कि चैट वाला काम जो होता है आपका। ओके गाइस, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों ओपन करके दिखा दूंगी। यहाँ पर देखिए, कस्टमर सर्विस एजेंट वॉइस की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे सिटीज का ऑप्शन आएगा, तो ये गुड़गांव देख के ऐसा मत होना, इनका ये जो ऑफिस है यहाँ पर गुड़गांव में है, बट यहाँ पे हर एक स्टेट में इनका ऑफिस है, तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, नो वरीज फॉर दैट। ओके गाइस, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप डाउन करके दिखाती हूँ कि ये जॉब एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जॉब एडवर्ट देख रहे थे कि क्या डिस्क्रिप्शन है। Are you looking for a career change with a forward-thinking global organization? We are on the lookout for customer representative on-site who provide voice process support to an international client to join a team of game changers for our Gurgaon office. ठीक है, तो गुड़गांव ऑफिस की कोई बात नहीं है, अप्लाई ना करोगे तो आपके पास सारे फंक्शंस आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। और एक मैं आपको एक ऐसा भी इनका एक फॉर्म लिंक है जिसमें आप डायरेक्टली हर एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, वो भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपना स्टेट का नहीं शो हो रहा है तो आप उस फॉर्म लिंक से कर सकते हैं। इनका एक एमकैट एग्जाम होता है, उसकी भी मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी कैसे आपको करना है, पहले ये देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके क्या क्या काम होने वाले हैं, वर्किंग टूवर्ड्स कंसिस्टेंसी अचीविंग एंड एक्सीडिंग सेंट टारगेट्स, ये आपको करना होगा। कंसिस्टेंटली अप्लाइंग एग्रीड बिहेवियर एंड कंप्लेंट स्टैंडर्ड्स, देखिए कस्टमर सर्विस का जो काम होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यही आपको काम करना है। कम्युनिकेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज रेवलेंट टू द कैंपेन टू कलीग कस्टमर्स एंड मैनेजर्स। ओके, देन है इंश्योरिंग फर्स्ट कॉन्टैक्ट रेजोल्यूशन एट ऑल टाइम्स, फिर है प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाईलाइटिंग एनी इशूज दैट यू आर मेड अवेयर बाई यूजिंग द करेक्ट प्रोसेस। देन है आपका रिव्यूइंग कस्टमर रिक्वेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस, आपको ये तो करना ही है, कस्टमर सर्विस का काम है आपका। यहाँ पे देखेंगे क्वालिफिकेशन में बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर ग्रेजुएट नीड है, बिकॉज मैंने इनके एचआर से भी कंफर्म कर लिया है फ्रॉम द लिंक्डइन इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है, फॉर्म में भी एक ऑप्शन है ये। मिनिमम 6 मंथ्स एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेशर्स को ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो। ओके, इस चीज़ की मतलब चिंता मत करना, ये आप अप्लाई इस चीज़ से कर रहे हो, लेकिन मैं आपको फॉर्म्स ना बहुत जगह के दिखाऊंगी। ठीक है, वहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन अलग है, तो उसकी भी फिक्र मत करना। एक्सेलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज होना चाहिए, कैपेबल टू डू वॉइस कॉलिंग, एबिलिटी टू डू नाइट वर्क, ये सब आपका होना चाहिए। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव पेमेंट आपको मिल रहा है यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम
4,42,000 INR एंड परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि आपको देखिए यहाँ पर सैलरी आपको बहुत अच्छी दे रहे हैं ये, यानी कि अगर ये 4,50,000 तक का पैकेज है तो आपका इन हैंड आराम से 30,000 तो बैठता है। तो ये आपको फ्रेशर की सैलरी मिल रही है लिटरली, ये आपको बहुत ही अमेजिंग सैलरी मिलेगी। फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, कैब सर्विस मिलती है जैसा कि मैंने आपको बताया, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑल ओवर राउंड, स्टेट ऑफ द आर्ट, ये सब कुछ आपको मिलता है। फुल पेड ट्रेनिंग ऑन द कंपनी एंड प्रोजेक्ट, ये सब आपको मिलता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट जॉब के बारे में। अब सेकेंड जॉब भी देख लीजिए कि कौन सी जॉब है जो है नॉन वॉइस की, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस वो ये कि थोड़ा सा डिफरेंस होगा। लेट मी शो यू, इसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है गाइस, आपको बस चैट मोड पे काम करना है। इवन यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं आपको कहीं पर दिखा देती हूँ। तो ये आप सेकंड पॉइंट देख लीजिए, प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर एक्सपीरियंस बाय एड्रेसिंग क्वेरीज थ्रू अ वेब चैट चैनल, ओके, एडहेरिंग टू स्केड्यूल शिफ्ट एंड प्रोसीजर मेट्रिक्स एंड डिपार्टमेंट गोल्स। तो मेन ये डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट आपका सब चेंज सेम रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ी सी सैलरी इन्होंने ज़्यादा दी है, लाइक 8,000 का फर्क आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, ये सब कुछ आपको सेम मिलेगा। अब गाइज मैंने आपको दोनों जॉब के बारे में बता दिया, इवन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गुड़गांव के लिए ही कर रहे हैं तो आप ये डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक लिंक और प्रोवाइड किया है जो हर एक स्टेट का प्रोवाइड कर सकता है। देखिए लास्ट में देखिएगा, मतलब दो लिंक्स तो आपको दिख गए होंगे, लास्ट एक लिंक होगा ऑल स्टेट्स लिंक, तो उसको जब आप ओपन करेंगे ना, आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे, क्योंकि मैं आपको फॉर्म भरना ऑल स्टेट्स के सिखाने वाली हूँ, तो आप इसमें आप पहले से ओपन कर लीजिए। देखिए गाइज आप ऑल स्टेट अप्लाई लिंक पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम जोड़ना है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेंट्रिक्स का ये माई एमकेट टेस्ट होता है, इसको फॉर्म भरने के बाद ही आपके पास ईमेल आएगा, जिस टेस्ट को आपको 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा, ठीक है गाइस। तो वो करोगे एकदम से आपको इवेंचुअली ईमेल आ जाएगा, और जब ईमेल आ जाए प्लीज कमेंट में बता देना कि मैम हमें कंफर्मेशन ईमेल आ गया, आई गॉट द कंफर्मेशन ईमेल, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये जॉब लिटरली बहुत ही अमेजिंग है। और 2 दिन ध्यान रखना, आज और कल में जरूर अप्लाई कर देना, क्योंकि बंपर हायरिंग सिर्फ आज और कल के लिए है, बाकी आपका कॉम्पिटिशन नेक्स्ट मंथ के लिए थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि नेम आपको अपना फर्स्ट फिल करना है, फिर आपका मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, वेरीफाई आधार नंबर। अब यहां पर काफी लोग बोलेंगे कि आधार कार्ड क्यों आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स हम क्यों पुट करें। तो देखिए गाइस यहां पर आधार कार्ड इसलिए पुट किया जाता है ताकि एक कैंडिडेट दो दो तीन तीन बार अप्लाई ना करे फेल होने के बाद, तो इसीलिए यहां पर आधार कार्ड ही कंफर्म रहते हैं, बिकॉज ईमेल एड्रेस भी चेंज हो जाता है, फोन नंबर भी चेंज हो जाता है, लेकिन आधार कार्ड का नंबर एक ही रहता है, तो ये लॉजिक समझिए। तो ये इसको मैं ज्यादा नहीं मूव ऑन कर रही हूं, अगर आपको कुछ ऐसा इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कंपनी के बारे में गूगल पर चेक कर लेना, कुछ भी चीज़ आपको फेक लगने नहीं वाली, क्योंकि फेक है ही नहीं, ये लिटरली लेजिट है। इसलिए सही चीज़ों में अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया करो, और पैसे तो किसी चीज़ में मत करो, ओके। जॉब में कभी भी पैसे नहीं इन्वेस्ट करने होते, एंड आई डोंट रिकमेंड कि कोई भी पैसे आप 1 रुपये भी किसी और को दो जॉब लेने के लिए, ऐसा कभी भी नहीं होता है गाइस, आपको कभी भी पैसे नहीं देने होते जॉब के लिए, सो डू रिमेंबर दैट, ओके। देन इसके बाद है आपको अपना फादर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड, स्टेट। अब देखिए मैं बात कर रही थी ना कि स्टेट कौन सी में आप अप्लाई कर सकते हो, देखिए दुनिया भर की स्टेट्स है, जिस भी स्टेट में आप रहने वाले हो आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाली हूँ, ठीक है। सिटी आपको अब उत्तर प्रदेश के हिसाब से चूज करनी है कि आप कौन सी सिटी के लिए, देखिए हर एक सिटी यहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आगरा चूज कर लिया, ठीक है, तो आगरा में इनका जो सेंटर होगा वहाँ पे मुझे काम करना होगा, या फिर मुझे वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी मिल जाएगी अगर इनका सेंटर नहीं होगा वहाँ पे, ओके। देन यहाँ पर आर यू 18 ईयर्स और ओल्डर, तो यहाँ पर मैं यस करूंगी। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन क्या है आपकी, तो इनमें से आपको चूज करना होगा कौन सी है। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा उत्तर प्रदेश में नोएडा पड़ता है, तो मैंने ये चूज कर लिया। फिर यहाँ पर है आर यू विलिंग टू रिलोकेट, ये देखिए यहाँ पर आपको यस ही करना है, ओके। दे जस्ट चेकिंग योर लॉयल्टी, आप कितना लॉयल है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। अब देखिए हाउ डू यू गेट टू नो, गूगल सर्च यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली वहीं से फॉर्म लेकर आई हूँ, ठीक है। यहाँ पर है आर यू विलिंग टू वर्क इन 24x7, यस वी आर विलिंग टू वर्क। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बताना है, 12th पास हो, डिप्लोमा होल्डर हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई भी हो चूज अपने हिसाब से चूज कर लेना। जैसे मैंने 12th पास चूज किया, अब 12th स्ट्रीम पूछ रहे हैं जैसे आपकी कौन सी थी, मैंने कॉमर्स चूज किया। नेम ऑफ द डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, ये सब आप यहाँ पर पुट कर देना, अपने स्कूल से रिलेटेड बोर्ड कौन सा था, CBSE कुछ भी था, सब कुछ यहाँ पे पुट कर देना, ओके। यहाँ पर रिजल्ट भी पुष्ट कर देना कि पास था या वेटेड था, पास हो गया हमने कर दिया। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स अगर है तो येस करके यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी मांगी जाएगी कि आपकी अभी फिलहाल मंथली सैलरी क्या है, ये वो, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। UAN नंबर उनका होता है जो ऑलरेडी वर्किंग है, उनका PF नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो लोग पुट करते हैं, तो हमारा तो नहीं है तो हमने इसे नो कर दिया। प्रोसेस अप्लाइड फॉर, अब ये यहाँ पर देखिए 4 रोल्स आते हैं,
यहाँ पर मैं आपको दो रोल्स बता रही थी, वॉइस और नॉन वॉइस। वॉइस और नॉन वॉइस कस्टमर सर्विस का है, लेकिन यहाँ पे एक रोल और है, यानी कि टेक सपोर्ट। अब अगर आप एक ऐसी चीज़ों में जाना चाहते हो जिसमें आपको ट्रबल शूटिंग कराना लोगों को अच्छा लगता है, जैसे किसी का रिमोट खराब हो गया, एलेक्सा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, मतलब इस टाइप से आपको उन्हें ट्रबल शूटिंग करवाना है, तो वो लोग टेक यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, वॉइस और नॉन वॉइस दोनों के ऑप्शन है। कस्टमर सर्विस वही नॉर्मल रिटेल वाला जो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, जो भी आपको लगता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नॉन वॉइस कस्टमर सर्विस एडवाइजर ले लिया। ओके, तो ये चूज कर लिया। फिर उसके बाद है लिस्ट इंडियन लैंग्वेजेस यू कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक। तो यहाँ पर आपको इंडियन लैंग्वेज, जैसे किसी किसी लोगों को गुजराती आती है, मराठी आती है, जो भी आती है, यहाँ पर लिखो, एडवांटेज है। ओके, देन यहाँ पर है, डू यू हैव अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। नहीं भाई, हमारे पास हिंदी विंदी के लिए नहीं है, हम सीधा नो कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, आपको कोई जज नहीं कर रहा है इस चीज़ से। ओके, हैव यू एवर वर्क विद फॉर कॉन्सेंट्रिक्स। नो, मैंने कभी काम नहीं किया तो मैंने नो कर दिया। हैव यू एवर वर्क विद इन सब में, तो यहाँ पर हमने नो कर दिया। अब यहाँ पर देखो, कैप्चा करके ये टिक करके, और इसे क्या करना है आपको, ये सारे टिक करके देखिए, दो ऑप्शन आएंगे, या तो स्टार्ट असेसमेंट लेटर और स्टार्ट असेसमेंट नाउ। आप लेटर पे पुट करना, आपके पास ना लॉगिन डिटेल आ जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पर जो आपने पुट किया होगा। ईमेल एड्रेस वही पुट करना जो एक्चुअली जेन्युइन हो और आपको उसकी नोटिफिकेशन हमेशा आती हो, जैसे आपको व्हाट्सएप वगैरह की आती है। ठीक है गाइस, तो ये आप कर लेना, इसके बाद आपके पास ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट देना है, और बहुत ही सिंपल टेस्ट है, टेस्ट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ गाइस, आपका जो टेस्ट होगा यहाँ पर बहुत ही ईजी होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला जाएगा ये चीज़ आप रीड करके बताओ, तो आपको रीड करना होगा, या फिर कोई चीज़ आपको सुना दी जाएगी वो आपको दोबारा से रिपीट करना होगा। बस वो ये, आपको अपने लिसनिंग स्किल्स अच्छे रखने हैं, थोड़ा सा दिमाग से सोचना और सही तरीके से करना, और एक ऐसी जगह पे बैठना जिसमें आपका एक घंटे कहीं और इंटरफेरेंस ना हो, जबकि इतना लंबा टेस्ट नहीं है, 20 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ऐसा आपका टेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आप क्यों अप्लाई करना चाहते हैं कॉन्सेंट्रिक्स में, या पहले ही थोड़ा लिख लेना, थोड़ा रिसर्च कर लेना। यूट्यूब पर भी बहुत वीडियोज़ है जिसमें आपको यहाँ पर इनका टेस्ट के बारे में आया गया है, उसमें आप थोड़ा हेल्प ले लेना, उससे आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा। ओके गाइस, बहुत ही सिंपल टेस्ट है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो इसमें एक यही टेस्ट होता है, इसके बाद आपका यहाँ पर डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होता है एचआर के थ्रू। और एचआर के थ्रू गाइस, ट्रस्ट मी, वो इतना कुछ पूछते ही नहीं है। जहां पर बंपर हायरिंग होती है ना, दे जस्ट आस्क यू टू क्वेश्चन कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, और क्या आप, मतलब हमारी ये जो चीजें हैं जो हम सीटीसी वो डिस्कस करेंगे, क्या ये आप एग्री करते हो, बस ये दो क्वेश्चन होते हैं, नथिंग एल्स। इसीलिए बोल रही हूँ कि 29 एंड 30 एक ऐसी डेट्स है जिसमें आप ये अप्लाई कर लो, ताकि आप लोग जो बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे हो, यहाँ पर तो आपको जॉब मिल जाएगी। अपना करियर स्टार्ट करो, मैं ये नहीं बोल रही पूरी जिंदगी इसी में लगाओ, 6 महीने करो, 10 महीने करो, 1 साल करो या 2 साल करो, उसके बाद आपको यहाँ पर टीम लीडर बन सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो गाइस। बहुत अच्छा स्कोप है, कॉर्पोरेट का रोल है, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग सब यहाँ पर सेलेक्ट हो। सो गाइज, आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर ईच क्वेश्चन। कोई भी डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट। एंड हमारे जो चैनल्स हैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपकी रहती है। यहाँ पर आपको इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डू ज्वाइन दैट। सो गाइज, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।